रही हो, सब छाया में बैठे हो, इस छाया के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी, प्यास तो नहीं लगी, लगती है तो पानी मिलता है, इस पानी के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी, रोटी गरम गरम खा के आए हो, पेट भरा हुआ है, भूखे नहीं सोते, इसके लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी। सुबह सुबह बच्चा कहता है बाय बाय पापा मम्मी बाय बाय, स्कूल जाता है, इस स्कूल के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी, जिसने लड़ाई लड़ी उसको चप्पलों के पास बैठाया गया था, लेकिन उससे सौगंध खाई थी कि मैं मेरी पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बिठाने दूंगा। जिसने लड़ाई लड़ी थी उसको स्कूल में टिफिन से दूर रहना पड़ा था, उसको नलके से पानी पीने की मनाही थी, टीचर उसकी स्लेट को कॉपी को छूता नहीं था, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता। किसने कीमत चुकाई? क्या आपने चुकाई? क्या आपने आजादी की कीमत चुकाई थी? नहीं चुकाई आपने, आपने इस आजादी की कोई कीमत नहीं चुकाई, आप पॉकेट में सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन यदि बदले में अगर आप आज भी नहीं चुकाते तो मैं आपको गद्दार कहूंगा। गद्दार वो गद्दार जो बाबा साहब के साथ गद्दारी करता है, वो बाबा वो गद्दार जो भारतीय संविधान के साथ गद्दारी करता है, वो गद्दार जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। अब आप पूछेंगे देश के साथ क्यों? क्योंकि देश की 90% जनता वो है जिसने घड़े बनाए हैं, जिसने तपती दोपहरी में लोग आता है, जिसने कपड़े बुने हैं, जिसने खेतों में काम किया है, वो लोग जिसने गायें पाली हैं, भैंसे पाली हैं, दूध की नदियां बहाई हैं। अगर अगर आपका पढ़ना आपका लिखना उस आदमी के कारवां को आगे नहीं ले जाता तो मैं आपको बेकार औलाद कहूंगा बाबा साहब की। इसलिए सौगंध खाइए कि जब भी आप पानी पिए आप बताएं अपने बच्चे को कि ये पानी मुझे बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत मिला। साथियों मैं झूठी नहीं कह रहा, जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे नमक के लिए तब बाबा साहब पहाड़ पे पानी के लिए लठ खा रहे थे, उन्होंने हाथ तुड़ाया था, आपने तुड़ाया था, किसी ने तुड़ाया हाथ पानी के लिए? बाबा साहब ने तुड़ाया था। और उस वक्त जब गांधी जी नमक के लिए कानून के लिए लड़ रहे थे, कानून तोड़ने के लिए लड़ रहे थे, आपके लिए नमक जरूरी है कि आपके लिए पानी जरूरी है ये आप देखिए। तो उसकी कीमत चुकाएगा कौन? वो संघर्ष कौन सा? आप अपने एक बच्चे को बड़े छाती से लगाते हैं। बाबा साहब ने 4 संतानें खोई थी। जब बाबा साहब विदेश से आए थे, आते ही देखा कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, सिर्फ 1 बच्चा गंगाधर लिपटा, तो पूछा रमा मेरे 3 बच्चे कहाँ हैं? तो रमा रो दी, और उसके बावजूद भी देखिए उस आदमी का कलेजा कहता था, कैसा कलेजा था कि उसके बावजूद भी वो आदमी हिम्मत नहीं आ रहा।